सीरियल अनुपमा में वनराज के सारी हरकतों पर अब फिरने वाला है पानी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि नंदिनी सभी से अलविदा कहकर चले जाता है और तबाह और वनराज डिसाइड करते हैं कि वो समर के लिए बहुत ही परफेक्ट लड़की ढूंढेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिलेगा कि तोशु यहाँ पर किंजल की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और तोशु को लगता है सब कुछ नाटक चल रहा है और वो उसकी नाराज होकर बैठी है, और जबकि किंजल उससे बात करना चाहती है, अपने रिश्ते को सुधारना चाहती है, लेकिन फिर से उसके पास कॉल आता है और वो वनराज के पास चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि अनुपमा यहाँ पर जो पूजा कर रही होती है और अनुज भी उसके साथ में पूजा करता है साथ में, और दोनों मिलकर आरती करते हैं। किसके बाद ने यहाँ पर अनुज कहता है कि जब से तुमने अब मुझसे इजहार किया ना, तब से मुझसे कुछ ये सब कुछ इंतज़ार नहीं होता। जिसके बाद में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अनुपमा उसे कहती है कि सब्जी लेने जाना है, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। इतनी देर में अनुज कहता है कि मैं खुद लेकर आऊँगा, और वो अनुपमा कहती है नहीं, मुझे पता है कि ये बिजनेस मैन के दिल के पास एक बहुत ही प्यारा सा दिल है, कहीं मुझे लगता है डर कि कहीं तो आप पूरा थैला ना उठा लाएं, और वो उसे जाने से रोकती है, लेकिन अनुज जिद करके खुद चला जाता है। देखने को मिलता है कि समर और किंजल का मूड सही करने के लिए बापूजी क्रीम रोल लेकर आते हैं और दोनों को ही खुश करने की कोशिश करते हैं और उनसे उनके दिल की बात पूछते हैं, लेकिन समर तो पूछ लेता है और किंजल यहाँ पर उसके अपनी दिल की बात नहीं बताती, और समर कहता है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बापूजी कहते हैं मूव ऑन तो करना पड़ेगा और हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं, और किंजल भी कहती है हाँ इससे बेटर तुम्हारे पास रहने कर दूर रहने से बेटर था कि वो चली गई, और समर भी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और मन ही मन सोचता है कि वो अब आगे कभी किसी से प्यार नहीं करेगा। किंजल कहती है कि मैं सिर्फ मम्मी से ही अपने दिल की बात शेयर करूंगी, और देखने को मिलता है कि बापूजी और अनुपमा की फोन पर बात होती है और वो दोनों ही उसके बारे में ही डिस्कस करते नजर आते हैं और अनुपमा जल्दी उनसे बात करने वाली है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज के पास में कॉल आ जाता है और यहाँ पर मालविका का, और वो डांटती है कि मेरे बिना कोई डिसीजन कैसे ले लिया, और वहाँ पर वो गुस्सा हो रहा था कि तुम्हें बिजनेस का भी तो आता नहीं है, और बापूजी ये सुन लेते हैं और बापूजी कहते हैं तुझे आता है, तुझे तो जिंदगी भर नौकरी करनी है। जिसके बाद यहाँ देखने को मिलता है कि वो ये भी कहता है कि जीके के जरिए अनुज हमेशा मेरे पर नज़र रखता है और वो उसे भड़काते रहते हैं। जिसके बाद में बापूजी उसी पर हंसते नजर आते हैं और उसी को उसकी क्लास लगा देते हैं। तो वहीं पर तोशु को अनुराज ये इंस्ट्रक्शन देता है कि अब हमें सभी जगह ये छपवा देना है कि अनुज के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देने यहाँ पर वापस आने के, और उसे कह देना कि हमारे इस बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है अनुज बहुत सारे दो थैले भर कर सब्जियां लेकर आता है और इतना अपनी ही तारीफ कर जाता है कि देखो आप देखना मैं व्लॉग भी बनाऊंगा, ये भी करूंगा, सबको टिप्स दूंगा कि ऐसी जगह दी जाती, देखो मैं कितना फ्री में धनिया ले आया हूँ। और अनुपमा ये सब कुछ देख कर उसको तो चक्कर ही आ जाते हैं कि इतनी सारी सब्जियाँ दो जनों के लिए, और उसे बहुत भयंकर वाली डांट लगाती है। और अनुज कहता है मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही जैसे हस्बैंड हो और तुम मुझे बुरी तरह से डांट रहे हो। इसके बाद अनुपमा कहते हैं हाँ तो ऐसी ही तो फीलिंग्स आएगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वो दोनों ही बाहर जाते हैं जहाँ पर एक झांकी निकल रही होती है और उसकी वजह से अनुपमा की मांग में सिंदूर भर जाता है और अनुज उसे पहुँचते नजर आता है, लेकिन वो कहता है कि अब तो मैं तुमसे जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ और अब मुझसे इंतजार नहीं होता, और अनुपमा शर्माते नजर आती है। यही वजह होगी वनराज को तगड़ा झटका लगेगा। अब देखते हैं दूसरी तरफ वनराज और मालविका के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा ऑफिस में होने वाला है।